सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज स्पीडी लियो एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, एज यू कैन सी, दिस इज माय आरसी कार्ड RX 100 का। एंड पीछे का दिखा नहीं सकता क्योंकि सब एड्रेस वड्रेस लिखा है अपना उसके ऊपर। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ टॉपिक के बारे में RX का पेपर के ऊपर ही। एंड आज एक गुड न्यूज़ भी आपको मैं देने वाला है जिसकी वजह से बहुत लोग का टेंशन रिलीफ हो जाएगा आज। तो वीडियो एंडिंग तक देखो तो आपको मालूम पड़ेगा वो न्यूज़ क्या है। सो लेट्स गो। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया, वो मेरा RC कार्ड था। पहले RC पेपर होता था, जैसे कि आप लोग को मालूम रहेगा जो भी लोग RX ओन करते हैं 90s में या फिर 2000 में, RX 135 भी जिसके पास होगा, वो टाइम पे RC पेपर आता था। पेपर के फॉर्म में सब कुछ होता था, लेकिन अभी सब डिजिटल हो गया है तो उसकी वजह से कार्ड आ गए। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था कि मतलब मैंने मेरा पेपर्स मेरे एजेंट को दिया। एंड मैं मेरा खुद का काम कभी कुछ करता नहीं है, सब मैं मेरा एजेंट को दे देता है एंड वही करके देता है मेरे को सब कुछ। सो ये वाला काम भी वही था और इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लग गया। जैसे कि आप लोग को मालूम रहेगा, मेरा ओनर को मेरे को ढूंढने को बहुत टाइम लगा। उसका लास्ट वाला एड्रेस पे मैं गया, तभी वो नहीं मिला। फिर कैसे कैसा उसका नेबर से पता किया, जो लास्ट एड्रेस पे जहाँ पे रहता था उधर का नेबर से पता किया, फिर कैसा कैसा नंबर निकाला, फिर जाके मेरे को मिला। तो जो सबसे बड़ा इश्यू रहता है वो है पेपर के ऊपर साइन, 2930 नंबर फॉर्म जो होता है, जिसपे ओनर का, लास्ट ओनर का साइन चाहिए रहता है और प्रेजेंट ओनर जो बाद में होने वाला है उसका साइन चाहिए रहता है। तो उसके लिए मेरे को ओनर को ढूंढना पड़ा एंड फॉर्चुनेटली मिल गया। एंड अच्छा इंसान था, सब बातचीत किया, सब कुछ किया एंड वो भी खुश हो गए बाइक देख के बहुत साल के बाद अपना। एंड ये कुछ था। और फिर उसके बाद अपना गाड़ी गया, सॉरी अपना RC पेपर्स गया RTO में। और फिर उसके बाद कितने दिन के बाद, ये कुछ दो एक हफ्ता पहले ही मेरा RC कार्ड आया। पोस्टल पे आ जाता डायरेक्ट आपका जो भी एड्रेस रहेगा उसके ऊपर। सो अभी अपन एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि बहुत लोग बोलते हैं अपने पास पेपर नहीं है तो उसका कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या। अभी मोस्टली सीन क्या होता है, सीन ऐसा होता है कि जो लास्ट ओनर रहता है उसका डेथ हो गया रहेगा या फिर आपके पास पेपर नहीं रहेगा, तो बहुत लोग बोलते हैं क्या हम जाली साइन करके या ऐसा झूठ मूठ का साइन करके कुछ कर सकते हैं क्या। देखो, अगर आपको ट्रांसफ़र करने का ना ओनरशिप, तो आपको जूना पेपर चाहिए ही, और उससे भी ज़्यादा 2930 नंबर फॉर्म पे साइन चाहिए रहता है पिछला ओनर का। अभी बाई चांस समझ लो आपने पेपर का काम अभी चालू किया, हाँ, और ओनर को मर के एक दो साल हो गया है, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट रहेगा। तो जब क्रॉस चेक अगर हो गया RTO में कि भाई ये पेपर तो अभी बना है और ओनर तो पहले ही मर गया है, तो बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है। तो इसलिए वो सब चक्कर में मत पड़ो। अगर आपका खुद का घर का कोई किसका गाड़ी है तो ठीक है, एक टाइम चलता है, लेकिन अगर दूसरे से आपने किससे लिया तो मैं तो वही सजेस्ट करेगा, गाड़ी को छोड़ दो, वो गाड़ी वापस वही इंसान को दे दो जिसके पास से लिया था। फिर सेकंड चीज़ आता है, क्या अभी गाड़ी का पेपर होता है? ये अभी सबसे बड़ा डाउट है कि मतलब अभी जो स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाला है उसके ऊपर तो वीडियो आएगा, उसके ऊपर मेरा अभी भी रिसर्च चालू है। और प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि हर हफ्ता कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रहा है, हर हफ्ता। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम से कुछ एक न्यूज़ आया था। अभी जैसे कि आप लोग को मालूम रहेगा, जो April 1 में होने वाला था 2022 में जो स्क्रैपेज पॉलिसी का चालू होने वाला था, वो अभी October 1 हो गया है। तो ये ऐसा छोटा छोटा न्यूज़ है ना, हर दिन आता रहता है कुछ ना कुछ। तो इसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है सब रिसर्च सब करने के लिए, सब जमा करने के लिए इन्फॉर्मेशन। तो एनीवेज, उस पर हम लोग बाद में आएंगे, बाद में किस दिन बात करेंगे वो टॉपिक पे, वीडियो आएगा उसके ऊपर ऑन द स्क्रैपेज पॉलिसी। सो अभी का सिचुएशन का बारे में बात करते हैं कि क्या आपको गाड़ी का पेपर करना चाहिए। एंड गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग कर सकते हैं बिंदास, और RX बैन नहीं होने वाला है। ये
भी एक चीज़ है, ये भी आप लोग ध्यान में रखो। अभी सब लोग को क्या लग रहा है RX बैन हो जाएगा, जो 15 साल का गाड़ी है वो बैन होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ अभी ऐसा होने वाला है कि जो ग्रीन टैक्स है या फिर रजिस्ट्रेशन का जो सब फीस है वो बढ़ने वाला है, और उसमें अभी RX के जो शौकीन लोग है, RX के जो शौकीन लोग है वो लोग आराम से पैसा भर सकते हैं ग्रीन टैक्स के लिए, और वो भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अभी तो कुछ कन्फर्म नहीं है। एंड मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं जिनके पास भी RX है या फिर जूना कोई जावा हो गया या जो भी बाइक है, कोई भी किसको भी टेंशन नहीं है, सब लोग बेफिक्र होकर गाड़ी चला रहे हैं, और मेरे को भी कुछ टेंशन नहीं है। जो भी आएगा ग्रीन टैक्स भर देंगे आराम से। एंड अभी मेन बात करते हैं कि अभी पेपर्स का काम चालू है, अभी भी आप RTO में जाके आप अपना जो भी काम करने का कर सकते हैं। लेकिन एक बार वो अक्टूबर 1 हो गया, फिर उसके बाद का मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता है कि आपका पेपर होएगा कि नहीं होएगा, क्योंकि उसमें आपको सब टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिटनेस टेस्ट वो सब, और अपना इंडियन RTO तो आपको मालूम है कैसा है, जब तक पैसा नहीं खिलाएंगे तब तक तो कुछ नहीं होएगा। तो इट इज़ बेटर अगर आपका गाड़ी में अभी कुछ काम है तो अभी करके ले लो। PUC नहीं, RC का हो गया, इंश्योरेंस हो गया या ग्रीन टैक्स हो गया, जो भी है सब अभी करके ले लो, क्योंकि बात का कुछ गारंटी नहीं है, अभी हो रहा है इसलिए करके ले लो। एंड गाइस, और एक जो बात है वो है पुलिस का टेंशन। बहुत लोग को लगता है कि RX है या कोई विंटेज बाइक है तो पुलिस पकड़ता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा डेली का बाइक है, हर दिन निकलता है, एंड पुलिस ने भी बहुत बार पकड़ा है, लेकिन आज तक मेरे को कभी किसी ने कुछ नहीं किया। एक फाइन नहीं लगा आज तक इसके ऊपर, हाँ एक लगा था वो मुंबई में, वो तो एक ट्रक का फाइन मेरे को लगाया था, वो तो मैं भर भी दिया, वो भी मैं हटा सकता था अगर RTO में किसको बोलता था तो, लेकिन मेरे को वो सब टाइम ही नहीं मेरे पास वो करने को। सो पुलिस का टेंशन नहीं है जब तक आपका पेपर क्लियर है। एंड और एक भी बात आपको मैं बताता है, जब भी मेरा ये RC ट्रांसफ़र का काम चालू था तभी आपको एक पावती मिलता है कि आपका प्रोसेसिंग में है काम, तो वो पावती भी आप बिंदास दिखा सकते हैं, किसको भी कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, एक वर्ड नहीं पूछेगा, सीधा बोल दो कि हाँ RC अपना ट्रांसफ़र में है। एंड पुलिस वाले को तो मालूम है उन लोग को कि अपना RTO में कितना फास्ट काम होता है, तो उन लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे, आर्ग्यू नहीं करेंगे। सो या गाइस, यही था कुछ टॉपिक पॉइंट्स, मतलब जो अपने RX के भाई बंधु लोग को डाउट था वो चीज़ के ऊपर। एंड और भी अगर आपको कुछ डाउट है तो ज़रूर पूछो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है बिंदास। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट्स में बताओ। सो या गाइस, दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू ऑल एंजॉयड, एंड इफ़ यू डिड देन गिव इट अ लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब टू द स्पीडी लियो चैनल, एंड डू टेक प्रिकॉशंस। कोविड अभी मालूम है पीक पे चल रहा है, तो सब लोग मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, घर पे घुसने के बाद में हाथ पैर धोइए, खुद को साफ सुथरा रखिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, राइड सेफ, एंड आई होप टू सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर, एंड स्पीड ब्रेकर आया नहीं ऐसा होएगा क्या? पीस, राइड सेफ।